वीडियो में मैं बात करने वाली हूं जो कुछ समय पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी ने टेंथ दिसंबर को भूमि पूजन किया है नए पार्लियामेंट हाउस का उसके बारे में यस एंड इन दिस वीडियो यू शैल फाइंड आंसर्स टू लॉर ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चंस Uh, जिनके आपको जवाब मिलेंगे इस वीडियो को देखने में वो ये है कि ऐसी क्या आवश्यकता थी कि एक ऑलरेडी फंक्शनल एग्जिस्टिंग ब्यूटीफुल सांसद भवन पार्लियामेंट हाउस होते हुए uh, करोड़ों रुपए का खर्चा करके मोदी जी ने एक नया पार्लियामेंट हाउस क्यों बनवाना शुरू किया है वी विल आल्सो गेट क्वेश्चंस आंसर लाइक व्हाई इज इट दैट ऑलमोस्ट सेवेंटी ईयर्स बट वी एज अ कंट्री आर नॉट प्रोग्रेसिंग एंड वेन आई से नॉट प्रोग्रेसिंग इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आम आदमी कॉमन मैन मिडल मैन जहाँ था वहीं का वहीं रह रहा है अगर आपकी सैलरी दो से पाँच रुपए हुई है तो खर्चा भी उतना ही बढ़ा है कुल मिला के नेट नेट आप जहाँ थे वहीं पर रहे हैं uh, इसके साथ साथ Uh, हमारा जो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है बीजेपी कभी कांग्रेस सो so, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स कई लेवल या डिमेंशंस में हो सकते हैं विच कैन इंक्लूड रीजंस एंड फैक्टर्स विच कुड बी पॉलिटिकल फिनेंशियल एट्सेट्रा एट्सेट्रा हाउ इन दिस वीडियो बींग अ साइंस एक्सपर्ट आई एम गोइंग टू टॉक फ्रॉम अ साइंटिफिक परसपेक्टिव ऑफ वास्तु आप लोग ये जान के हैरान होंगे कि जो हमारा प्रेजेंट अब तक का पार्लियामेंट हाउस है संसद भवन है दैट हैज़ गॉट अ मेजर मेजर अनपार्डनेबल वास्तु दोष एंड दैट इज़ वाई आवर कंट्री इंडिया हैज़ टू गो थ्रू सो मेनी स्ट्रगल्स एंड नाउ i'm glad that narendra modi could identify that and he has inaugurated a new parliament on 10th of december media, almost nine hundred seventy one crore rupees are being spent to construct a new parliament house. first i'm going to explain you what are the vastu doshas in our present. पार्लियामेंट हाउस एंड देन वी गोइंग टू टॉक अबाउट वास्तु न्यू वास्तु ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस तो जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग संसद भवन है पार्लियामेंट uh, हाउस है uh, उसका अगर हम बात करें वो एक ओवरऑल ट्राइंगुलर प्लॉट में है और ट्राइंगुलर प्लॉट के बीचो बीच एक सर्कुलर बिल्डिंग के अंदर वो सांसद बना है तो जो हमारी ये वास्तु हैं ये हमारे उपनिषद से आते हैं शास्त्रों से आते हैं दे आर हंड्रेड परसेंट साइंटिफिक दिस इज नॉट समथिंग जो आज ही प्रचलित हुआ है ये टाइम्स मेमोरियल से है और हम ही नहीं अंग्रेज लोग भी इनको जानते थे ब्रिटिशर्स भी जानते थे तो जो मैंने बताया प्रेजेंट पार्लियामेंट ट्राइंगुलर प्लॉट पर है और सर्कुलर बिल्डिंग है बीचों बीच जो बहुत गलत है होता क्या है ऐसा कंस्ट्रक्शन होने से हमारे सारे एनर्जीज़ ऊर्जा कट हो जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्लानिंग की हमारे पार्लियामेंट हाउस के अंदर हमारे मिनिस्टर्स नेता बैठते हैं जो हमारे देश की प्लानिंग करते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा तो जो प्लानिंग आती है वो आती है नॉर्थ ईस्ट से जिसे हम ईशान कौन कहते हैं तो अगर ट्राइंगर प्लॉट होगा और सर्कुलर बिल्डिंग होगी तो ऑब्वियसली दैट एरिया इज कट इट्स मिसिंग सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट बात करें जो भी हमने प्लान बनाया उसको इंप्लीमेंट करने की या उसको एग्जीक्यूट करने की एग्जीक्यूशन कम्स फ्रॉम साउथ ईस्ट अग्नि फायर कॉर्नर सो अगेन दैट गोज मिसिंग सिमिलर्ली अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की कंसिस्टेंसी की लॉन्ग टर्म विजन की कि आज से पचास साल के बाद बीस साल के बाद वॉट वे डू वी सी आर नेशन अ लॉन्ग टर्म गोल एंड स्टेबिलिटी कोई भी सरकार स्टेबल हो ही नहीं पाती आपस में लोग लड़ पड़ते हैं नेता लोग लड़ पड़ते हैं वाई बिकॉज ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड वंस अगैन ये जो वास्तु दोष है साउथ वेस्ट भी नहीं है तो फाइट्स होते हैं आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पार्लियामेंट में दिन भर झगड़े होते हैं ग्लोबल मैप में इंडिया वीक रहा और तो और हमारे पार्लियामेंट हाउस पे टेररिस्ट अटैक्स भी हुए अगर हम ओवरऑल सेटिस्फैक्शन की बात करें जो सेटिस्फैक्शन एक गवर्नमेंट को होनी चाहिए आफ्टर डूइंग अ प्रोजेक्ट या एक जनता को एक यू uh, नो you know, एक कंट्री के लोगों uh, को होनी चाहिए वो आती है नॉर्थ वेस्ट से जो हमारा वायु कौन है वो भी नहीं है सो नोबडी इज़ एवर हैप्पी विद एनी गवर्नमेंट, सो ये जो वास्तु दोष हमारे हैं इसकी वजह से जो मैंने बताया ये सबसे गंदा वास्तु है ट्राइंगर प्लॉट और उसके ऊपर सर्कुलर बिल्डिंग बीचों बीच तो यहाँ पे क्या है कुछ कंस्ट्रक्टिव हो ही नहीं पाएगा जो भी मिनिस्टर्स वहाँ बैठेंगे बस आपस में एक दूसरे को पॉलिटिक्स करेंगे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे रैट रेस विच हंटिंग यू नो सच काइंड ऑफ वर्ड्स कुछ प्लान भी बनाएंगे तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे एग्जीक्यूशन होगा तो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा जल्दी जल्दी सरकारें गिरेंगी तो ये जो है बहुत बड़ा वास्तु दोष है कंट्री जो है ग्लोबली स्टेबल नहीं हो पाएगी पूरी कंट्री जो है ओवरऑल जितना राइज करना चाहिए उतना नहीं कर पाएगी तो बेसिकली जो हमारे एलिमेंट्स पांच एलिमेंट्स हैं जो है हमारे फायर वाटर एयर स्पेस आकाशा और एंड अर्थ देखिए ऐसे किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में होते हुए तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा देना चाहिए लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी जैसे मैंने कहा वास्तु कुछ आज आया है ऐसा नहीं है टाइम्स एम मेमोरियल से है और सिर्फ इंडियंस को ही नहीं कि हमारे ग्रंथों में इसकी नॉलेज है ब्रिटिशर्स को भी थी जब वो ये पार्लियामेंट बना के गए क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट हाउस है ये एक फेमस वास्तु एक्सपर्ट ने ही बनाया था ल्यूटन्स जिनका नाम है अंडर द सुपरविजन ऑफ हार्बर्ट बेकर सो हार्बर्ट बेकर जी का सुपरविजन था लेकिन जिन्होंने बनाया था वो खुद एक वास्तु एक्सपर्ट थे ल्यूटन्स जिनके नाम से ल्यूटन्स लेन भी है सो so, उनको वास्तु का पूरा ज्ञान था तो मे बी आई डोंट नो मे बी इट वॉज अ ओवरसाइड जो कहना मुश्किल है या हो सकता है कि ऐसा सोचो कि जाते जाते हम ऐसा पार्लियामेंट बना दें कि ये जो है पहले उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया हमारे लिए फिर जाते जाते हम शायद कुछ ऐसा कर दें कि ये हम पर डिपेंडेंट ही रहें स्टेबल हो ही ना पाए मे बी बिकॉज अगर हम तो अब ये आप जान लीजिए दैट जैसे एक ओवरऑल परसेप्शन है दैट इंडिया इज अ पुअर कंट्री दैट्स नॉट ट्रू इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स वी आर वेरी रिच एक समय तो हमें सोने की चिड़िया कहते थे एंड स्टिल वी आर अ रिच कंट्री वी हैव इनफ रिसोर्सेज प्रॉब्लम क्या है करप्शन और जो एनर्जी ड्रेनेज हो रहा है सो so, वास्तु की हेल्प से जो मोदी जी ये स्टेप उठा रहे हैं मुझे लगता है साइंटिफिक है बिकॉज वास्तु की हेल्प से साइंटिफिकली ये एनर्जी ड्रेनेज को हम प्लग कर पाएंगे जिसकी वजह से जो हमारे कंट्री का ट्रू पोटेंशियल है रिसोर्स है वो हम मोर एफिशेंटली और प्रोडक्टिवली कंज्यूम कर पाएंगे विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन और ग्लोबली भी मैप पे मच मोर स्ट्रॉगर हो पाएंगे अब यह जानने के बाद कि कैसे जो हमारी पुरानी या जो अभी प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस संसद भवन है वो कितना वास्तु डिफेक्टिव है उन्नीस बीस का फर्क भी नहीं है हंड्रेड परसेंट इज द वर्स्ट अनपार्डनेबल बिकॉज उसमें सारे ही कॉर्नर्स मिसिंग है कट है सारे ही एलिमेंट्स मिसिंग है चारों तरफ से वो एरिया मिसिंग है तो वहाँ पे फायर एयर वाटर स्पेस भूमि सब कुछ मिसिंग है तो एनर्जी ही नहीं फ्लो करेगी ऊर्जा ही नहीं फ्लो करेगी जहाँ हो वहीं बैठे रहोगे है ना एनर्जी ड्रेनेज होता जाएगा नाउ लेट्स मूव ऑन टू जो हमारा नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है तो आप ये जानिए पहले तो उस पर बहुत रिसर्च किया गया अगर मैं दुनिया के कुछ आ... टॉप की कंट्रीज जिनके पार्लियामेंट हाउस से बात करूं जो फेमस हैं अपने अमेजिंग पार्लियामेंट हाउस के लिए तो उनमें से ढाका बांग्लादेश एक है रोमानिया यूरोप ब्रिटिश ब्रिटिश खुद उनकी टॉप की पार्लियामेंट मानी जाती है देन श्रीलंका इट्स नेक्स्ट टू अ वाटर बॉडी एंड स्कॉटलैंड तो पहले तो कई देशों के पार्लियामेंट्स का स्टडी किया गया वास्तु स्टडी किया गया उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो बना रहे हैं बिमल पटेल from ahmedabad and he is a great vastu expert along with being an architect with 35 years of experience and he's a padma shri awardee on one of the famous buildings banai jesse rbi ahmedabad gujarat high court iim ahmedabad iit jodhpur so present parliament ko <coughs> जो अब बन रही है जिसका भूमि पूजन 10 दिसंबर को मोदी जी ने किया है वो बना रहे हैं लगभग एक साल में ये तैयार हो जाएगी करीबन 2000 लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और 9000 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आज के टाइम में व्हेन सो मैनी पीपल डोंट हैव अ जॉब दिस प्रोजेक्ट विल बी मेड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड uh, नेम और इसके साथ साथ उस एरिया में दस और बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी जो एज़ पर वास्तु होगी और ये नया जो प्रोजेक्ट होगा ये त्रिभुज त्रिकोणा बिल्डिंग होगी जो कि बहुत सेक्रेट मानी जाती है जैसे मैंने पहले कहा इसका टोटल एक्सपेंस जो होगा वो 971 करोड़ रुपीस होगा लॉट ऑफ पीपल हैव बीन रेजिंग कंसर्न व्हाई वेस्ट सो मच ऑफ मनी दिस इज नॉट वेस्टेज दिस इज इन्वेस्टमेंट जो आप आज पैसा लगा रहे हैं वो आने वाले सत्तर या 700 साल काम आएगा जो ऑलरेडी संसद है ना उसमें तो सिर्फ 500 मिनिस्टर की सीट है जैसे-जैसे हमारे की पॉपुलेशन बढ़ रही है नए पार्लियामेंट में नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा होंगी वो टोटल 64,500 वर्ग मीटर का प्लॉट होगा और जैसे मैंने कहा ये एक इन्वेस्टमेंट होगी क्योंकि ये जो वास्तु के हिसाब से त्रिभुज यानी कि त्रिकोण बिल्डिंग बनाई जाएगी संस्कृत हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर ट्रायंगल शेप मैं सेक्रेट ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ उसमें भी बताती हूँ कि ट्रायंगल शेप का कितना इंपॉर्टेंस है दैट इज़ व्हाई इट इज़ यूज्ड इन मेडिटेशंस इवन इफ़ यू लुक एट वेरियस यंत्र इफ़ यू टॉक अबाउट श्री यंत्रा या हम घर में और यंत्र यूज़ करते हैं तो वो यंत्रा भी जो है ट्राइंगल शेप में होते हैं और तो और जो लोग हीलिंग मोडलिटीज़ में है लामा फेरा या और हीलिंग सिम्बल्स आप देखिए उसमें भी मेल ट्राइंगल फीमेल ट्राइंगल्स रहते हैं सो अ ट्राइंगल शेप इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस एज पर वास्तु त्रिकोण और यही शेप जो है न्यू पार्लियामेंट हाउस के लिए यूज करी जा रही है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एंड एज पर माय एक्सपीरियंस एंड स्टडी ऑफ वास्तुशास्त्र आई एम मोर देन हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट दैट एज सुन एज दिस न्यू सांसद दिस न्यू पार्लियामेंट हाउस विल कम इन टू फंक्शन और हमारे मिनिस्टर्स यहाँ पर बैठ के देश की बागदौड़ संभालेंगे और यहाँ पर जो डे टू डे फंक्शन शुरू करेंगे तो आप देखिए विद इन फ्यू मंथ्स हमारी जो कंट्री है आ uh, कहाँ से कहाँ राइज करेगी बिकॉज uh, लोग तो आजकल अपने घरों का हर कोई वास्तु करवाता है जहाँ पे uh, दो लोग चार लोग पांच लोग रह रहे हैं ये तो करोड़ों की आबादी भारतवर्ष का पूरा जहाँ फ्यूचर डिसाइड होता है ये तो वो हाउस है पार्लियामेंट हाउस तो ये जो नया वास्तु मोदी जी ने किया है मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी आई एम वेरी हैप्पी दैट समबडी हैड दैट साइंटिफिक माइंड जो फाइव सेंसेस के बियॉन्ड जाके ओकर साइंसेस को इतना महत्व देके के देके दे के टाइम एनर्जी मनी सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड आई एम वेरी श्योर दैट विद दिस न्यू पार्लियामेंट हाउस विद एक्सीलेंट वास्तु इन प्लेस जो भी हमारे देश ने पिछले सत्तर सालों में खोया है उसको दिन दुगनी चार रात चौगुनी तरक्की हम लोग करके आगे बढ़ेंगे और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी और आपका वास्तु रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर छोड़ें एंड लेट्स फॉर अ रिसर्च पर्पस डू अ एक्टिविटी अगर आपने अपने घर का कभी वास्तु कराया है, तो कमेंट में लिख के बताएं कि आपने अपने घर का वास्तु करवाया है या कभी नहीं करवाया तो भी कॉमेंट छोड़िए कि कभी वास्तु नहीं करवाया मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जब वास्तु के लेवल पर हमारे कंट्री में इतना काम हो रहा है तो आने वाले साल में मैं दस लोगों को सिलेक्ट करूंगी वास्तु पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा ग्रुप नहीं ये आ, दस लोग होंगे आप अगर चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं जितने भी लोग होंगे मैं उनमें से पिक एंड चूज करूंगी ओनली टेन पीपल जो मैं जिन्हें वास्तु पढ़ाऊंगी सिर्फ थियोरी नहीं रिसर्च असाइनमेंट्स दे विल बी लाइक असिस्टेंट टू मी ये बहुत लॉन्ग टर्म कोर्स होगा आ, बहुत बारीक या माह चीजें बताई जाएंगी वास्तु के बारे में ताकि हमारे समाज में हमारे देश में और उन्नति हो वास्तु की एप्रिसिएशन अवेयरनेस और बढ़े तो अगर आपको आप वो कोर्स करना चाहते हैं या वास्तु का कोई भी सवाल है तो कमेंट छोड़े और साथ ही साथ हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है लाइक करे शेयर करे और लोगों के साथ पता तो चले कितना वास्तु दोष था हमारे पार्लियामेंट में अभी तक जो हम लोगों को मालूम ही नहीं है एंड वी क्लेम वी आर इंटेलेक्चुअल पीपल और साथ ही साथ जरूर कॉमेंट छोड़े कि आपके घर का वास्तु हो रखा है या नहीं वास्तु प्लेस वेर वी रिसाइड वास इज़ टू डिसाइड एंड टू इज़ द तत्व तो जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ की एनॉजी हमें इम्पैक्ट करती है हमारे हेल्थ को हमारे पैसे को हमारे रिलेशनशिप को दिस इज़ वन आस्पेक्ट दैट कैन नेवर एवर बी इग्नोर्ड आई एम श्योर दिस एम्पावरिंग वीडियो वुड हैव टॉट यू अलॉट टाइम टू टेक योर लीव आई कम बैक एंड सी यू नेक्स्ट वेरी सुन नमस्ते पूजा शर्मा टेकिंग लीव नाउ